है इसके अंदर कुछ नहीं है, चार पाँच जब 4-5 साल में फ्री हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल तो इसमें डलना नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा बात करें चेतन जी इसकी बैटरी की लाइफ क्या है? अगर आप लेड एसिड लेते हैं तो लेड एसिड की सर जो लाइफ है वो 2 साल रहती है। 2 साल कंपनी हमें यहाँ दिखाई दी है सुकून के नाम से, इन्होंने कृषि यंत्र बनाए हैं जी बैटरी ऑपरेटेड। ये देख लो ये पावर टीलर है ठीक है, और ये ट्रैक्टर है, ये बैटरी से चलते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए भाई साहब से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपने बारे में अपनी कंपनी के बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम चेतन है, मैं सुकून कंपनी में काम करता हूं। जी। हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया है जिसका नाम माइक्रो ट्रैक है 750 हल्दर। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं ये 1500 वाट की मोटर है जी। ये आपका 13 HP के टिलर के बराबर का काम करता है। अच्छा, इसमें हमने दोनों साइड में मैनुअल हाइड्रोलिक लिफ्ट दी गई है। बहुत बढ़िया, आप इलेक्ट्रिक भी कन्वर्ट करवा सकते हैं हमसे जी जी, आप चाहें तो। इसके अंदर आप पीछे 5 फाले वाला कल्टीवेटर लगा सकते हैं, हैरो लगा सकते हैं, रोटावेटर लगा सकते हैं, स्प्रे पंप स्प्रे मशीन लगा सकते हैं स्प्रे करने के लिए। फ्रंट में इसमें आप रीपर लगा के चला सकते हैं, ट्रॉली लगा सकते हैं इसमें पीछे। अच्छा अच्छा, और सामने रीपर भी है जी। बिल्कुल। अच्छा अच्छा सर, बात करें इसकी जो बैटरी है जी वो कितने टाइम चलती है आपके इसके अंदर? जो बैटरी है वो इस वक्त मौजूदा ट्रैक्टर के अंदर जो बैटरी है वो 160 AH की लेड एसिड बैटरी है जी। 4 बैटरीज लगा रखी हैं जी जी, और ये 4 से 6 घंटे का काम करता है। अच्छा अच्छा, ऑन फील्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और इसको चार्जिंग टाइम जो है वो 4 से 5 घंटे के बीच में वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि उसमें चार्जिंग कितनी है। अच्छा चेतन जी, हम बात करें दबता तो नहीं है किसानों की भाषा में? दबता तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दबता है। इसके साथ में जब आप इसके उपकरण इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल भी नहीं दबेगा, और जिस लिमिटेशंस के लिए बनाया गया 13 HP के लिए उस तक आप इसके अंदर जो क्षमता है वो बखूबी है एकदम। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल नहीं दबेगा। जो आपकी कंपनी में लोग आते हैं जो किसान, ज्यादातर कौन सी किसान लेके जाते हैं इसको, छोटे फसल वाले बगीचे वाले जो जिनके पास फार्म हाउस है जी, उनके लिए बहुत उपयोगी है। अभी ये हमने इंट्रोड्यूस करा है मार्केट के अंदर, यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं ये जी जी, जी। मुजफ्फरनगर में किसान मेले के अंदर ये लेके आए हैं। वैसे इसका प्राइस जो है वो 4 लाख है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्टरी जो प्राइस हमने दिया है जी जी, वो 2,85,000 दिया हुआ है प्लस GST सर। अगर कंपैरिजन करें अदर ट्रैक्टरों की, छोटे ट्रैक्टरों की अपेक्षा तो आधी कीमत है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 6-7 लाख रुपए के बड़े आते हैं, और उसमें पेट्रोल का झंझट अलग से जी जी। अच्छा, अगर इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं है, एक चीज ये भी है, सबसे पहला पेट्रोल नहीं, पेट्रोल की आपकी खपत जो है वो खत्म हो गई, वहाँ पे कॉस्ट बचेगी। उसके अलावा प्रदूषण वगैरह नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं है, कोई साउंड नहीं है, है ना। और बाकी ये मेंटेनेंस फ्री होता है इसके अंदर। आपको हर महीने ये नहीं है कि जी अब इंजन ऑयल बदलवाना है, प्लेट्स बदलवानी है, क्लच प्लेट खराब हो गई, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। चार पांच साल में फ्री हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल तो इसमें डलना नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा बात करें चेतन जी इसकी बैटरी की लाइफ क्या है? अगर आप लेड एसिड लेते हैं तो लेड एसिड की सर जो लाइफ है वो 2 साल रहती है। 2 साल है ना। इसके अंदर हमने ऑप्शन दिया है, आप लिथियम आयन का भी सेट ले सकते हैं अलग से। लिथियम आयन आप डबल ले सकते हैं, 2 सेट ले सकते हैं। क्या होगा, एक सेट लगा रखा है वो 4 से 6 घंटे काम किया, दूसरा सेट आपने लिया वो इसमें लगाया और पहले वाले सेट को चार्जिंग पे लगा दिया, तो आप इसे रेगुलर यूज में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रुकना पड़ेगा चार्जिंग, आप एक और सेट ले सकते हैं जिस। और लिथियम आयन के अंदर आपकी जो लाइफ है वो 5 से 6 साल होती है। हाँ। और उसकी वारंटी भी 2 साल हम देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अगर कोई ये बैटरी की खराब होगी 2 साल बाद की बात करते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। तो कितने की बैटरी आती है, इसकी कीमत क्या रहेगी आज की डेट में? क्या वही डिपेंड करता है, लेड एसिड की जो है वो आपकी लगभग एक मिनट, 2 साल बाद अगर आप लेड एसिड का इसमें लगाते हैं तो 2 साल बाद वो 18 से 20 हजार के लगभग पड़ेगा इन्हें वापस देने के बाद, रिप्लेस करके। हाँ जी, रिप्लेस जैसे घर के बैटरी जी। हाँ, बिल्कुल 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 सेम प्रोसीजर है। अच्छा, और लिथियम आयन के अंदर एक तो आपको 5 साल की उम्र मिल गई, 5 साल बाद अगर उसे आप रिप्लेस करते हैं तो 80 AH की जो बैटरी की कॉस्ट है वो 80,000 रुपए रहेगी। अच्छा, आप एक लेते हैं तो 80,000, दो लेते हैं तो 1,60,000। चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं ये क्या चीज है जी, इसके बारे में बताइए सर। ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा, सुकून कृषिराज। अच्छा अच्छा, ऑलरेडी मार्केट किया हुआ है, हम ऑल ओवर इंडिया इसे सेल आउट कर रहे हैं जी जी। ये देख सकते हैं, ये 8 से 10 HP के बराबर जो टीलर पावर वीडर पावर टीलर का काम करता है जी जी। ये देख लो जी, ठीक है। अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है और इसकी पावर क्या है सर? ये सर 8 से 10 HP के बराबर काम करता है, इसके अंदर हमने 1200 वाट की मोटर लगा रखी है, ठीक है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। अच्छा अच्छा, लिथियम आयन के अंदर लेड एसिड का भी है प्रोविजन, लेकिन वो बहुत कम लाइफ वगैरह की वजह से हम। अच्छा, बात करें इसके अटैचमेंट की, इसमें कौन कौन से अटैचमेंट चला सकते हैं? हमने आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब पर, बहुत सारे अटैचमेंट चला रहा है इसके अंदर। देखिए जो साथ में मिल रहे हैं वो एक प्लो है, कल्टीवेटर है और एक टिलर है जी।
आप इसके साथ में रोटावेटर चला सकते हैं, रीपर चला सकते हैं जी, ठीक है, और स्प्रे पंप चला सकते हैं, वाटर पंप चला सकते हैं, सारे सारे के सारे ट्रोली वगैरह बैठने का भी, बाइक का भी काम करता है। बाइक का सर पहले प्रोविजन था, अभी हमने वो डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके जगह फोर व्हील ड्राइव कर दिया, राइड ऑन अटैचमेंट जो कि पीछे लग जाती है, उसमें आप बैठ के लगा चला सकते हैं। उसमें साथ में एक आपको मिलती है हाइड्रोलिक लिफ्ट राइड ऑन के अंदर, उससे क्या होगा आपको ये कल्टीवेटर प्लो इनकी जो डेप्थ एडजस्टमेंट है वो आसानी से हो जाती है। रोटावेटर आप पीछे लगा के हाइड्रोलिक से उठा सकते हैं, अभी जैसे उन्हें रोटावेटर लगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, वो उसके द्वारा उसे उपयोग में ला सकते हैं। अच्छा सर, बात करें इसकी प्राइसिंग की, क्या प्राइस रखी है इसकी? ये जो खाली मशीन है वो 75,000 की है। अच्छा अच्छा, बैटरी कॉस्ट अलग होती है उसमें, ठीक है, बैटरी 36 AH है, लिथियम आयन के अंदर 36 AH, 48 AH और 60 AH, जी जी, ये तीन वेरियंट हम देते हैं। किसान को कितनी देर काम करना है उसके ऊपर, जो 36 AH है वो 4 से 5 घंटे चलती है, 48 AH 5 से 6 घंटे, और जो 60 AH है वो 6 से 7 घंटे आपका काम करती है। चलिए बहुत बढ़िया, अब अंत में अपने एक कंपनी का एड्रेस और बता दो, कोई किसान भाई विजिट करना चाहता ये है। ये जो हमारी कंपनी है सुकून सॉल्यूशंस, ये गाजियाबाद में सिहानी जिले के अंदर है जी जी, आप वहाँ पे आ सकते हैं, 497 सद्दीक नगर सिहानी गाजियाबाद, ये हमारा एड्रेस है, फैक्ट्री एड्रेस।